हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अनिष्का किचन में। आज हमारे गांव आए हैं विनोद जी, जिनका खुद का अपना चैनल है विनोद की रसोई, और ये बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। और आज इनका जन्मदिन भी है, तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इनके लिए हमने एक छोटा सा केक मंगवाया है और सभी साथ में मिलकर इनका आज हम जन्मदिन मनाएंगे। सबसे पहले विनोद भैया जो हैं केक काटते हैं और इनका हम साथ में मिलकर जन्मदिन मनाते हैं। यहाँ पर है मित्या के पापा, उनको वो केक खिलाते हैं और मित्या के पापा भी उनको केक खिलाते हैं। काफी मजा आता है। चलिए, अब केक काटने के बाद अब हम खाना बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे विनोद भैया भी हमारे साथ खाना बनाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर हमने मटर लिए हैं और प्याज, हरे पत्ते के प्याज, काफ़ी सारे यहाँ पर हमने सब्जी ली है, तो सबको हम पहले काट कर रख लेते हैं। यहाँ पर प्याज के पत्तों को हम दो भागों में कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पत्ता गोभी भी लिया है, इसके भी हम जो खराब उनके पत्ते हैं उनको हम हटा लेते हैं। यहाँ पर हमने जितनी भी सब्जियाँ लिया था उनको हमने धो लिया है। अब इनको हम टुकड़ों में एक एक करके काटेंगे। शिमला मिर्च को भी हम टुकड़ों में काट लेते हैं। टमाटर को भी हम काट लेते हैं। और उधर विनोद भैया मेवे काट रहे हैं सूखे। एक तरफ हम ईंधन को जलाते हैं। चूल्हे पे ईंधन को जलाने के बाद रखते हैं दूध। आज हम दूध का सेवई बनाएंगे। जैसा बताया कि मैंने, विनोद भैया का जन्मदिन भी है तो आज उनके जन्मदिन की खुशी पे आज हम बहुत सारे पकवान भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कढ़ाई रख देते हैं गैस पे, उस पर डालते हैं तेल। और तेल गरम होने के बाद इसमें डालेंगे हम जीरा। कटा हुआ इसमें प्याज, हरी मिर्च और हमने जो लहसुन लिए थे वो सब हम तड़के में डालते हैं और उनको भूनते हैं। और साइड में हमने लिया है दाल चने की, इसको हमने 7 से 8 घंटे तक भिगो रखा था और हमने इसको धो के साफ कर लिया है। तड़का हमारा ब्राउन हो गया है अच्छे से। अब इसमें हम चने की दाल जो हमने भिगोई थी उसको हमने धो लिया था, अब वो हम डाल के इसमें भूनेंगे।
चने की दाल को हमने भून लिया है और इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर और इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर। और डालेंगे इसमें नमक अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के दाल को अच्छे से पकाएंगे। चूल्हे पे का दूध जो है हमारे उसमें उबाल आ गया है, उसको एक बार हम कलछुल से चला देते हैं जिससे हमारा दूध नीचे पतीले में लगे ना। और इधर हमारे चने की दाल को एक बार हम देख लेते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी है और इसमें कटा हुआ हम हरा धनिया भी डाल देते हैं और थोड़ी देर तक इसको और हम भूनते हैं। दूध में हमारे उबाल आ गया है तो इसमें जो सूखे मेवे हमने काटे थे वो डाल देते हैं और इसमें डालेंगे हम चीनी। इधर जो हमारे भाभी की लड़की मोनी है वो आटे को गूंथकर थाली में रखती है और आटे का डो तैयार करती है। इधर हमारे दाल का पानी भी जो अच्छे से सूख गया है और इसको एक बार हम चला देते हैं। दाल हमारा हो गया है। इसको हम एक थाली में निकाल लेते हैं। ये सेवई जो है पहले से ही भुनी हुई है तो इसको हम दूध में डाल देते हैं। अब हम ये चने की दाल को पीसते हैं सिलबट्टे पर। और इधर हमारा आटा भी गूंथकर तैयार हो गया है। इधर देखिए हमारी सेवई भी एकदम पककर एकदम गाढ़ी हो गई है। इसको हम चूल्हे पे से उतार देते हैं। इधर विनोद जी सब्जी बनाएंगे और सरसों का तेल कढ़ाई में डालते हैं। खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए विनोद की रसोई। तेल गर्म हो गया है तो इसमें डालेंगे वो जीरा और जीरा चटकने के बाद डालते हैं कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च और प्याज। उसको भूनते हैं और विनोद जी जो हैं लखनऊ से आए हैं हमारा गांव देखने, इनको हमारा गांव बहुत अच्छा लगता है और हमारी जो है काफ़ी सारी वो वीडियो देखते हैं। और तड़का ब्राउन होने के बाद डालेंगे कटा हुआ आलू, आलू को भी हल्का सा वो भूनेंगे।
आलू भुनने के बाद इसमें डालेंगे अब हम मटर। मटर डालने के बाद इसमें डालेंगे हम कटा हुआ गाजर। और कटा हुआ शिमला मिर्च भी डालेंगे। थोड़ा सा हम ये सब सब्जियों को भूनेंगे। और इसमें डालेंगे कटा हुआ पत्ता गोभी। अब इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर। और इसमें डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। अब सब्जियों को अच्छे से चलाएंगे और पकने देंगे। सब्जियां हमारी थोड़ी सी पक गई हैं तो इसमें कटा हुआ टमाटर डालेंगे और हरे पत्ते वाला प्याज डालेंगे। अब सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे सब्जी में। जब तक हमारा सब्जी बनता है तब तक इधर हम दाल की पूड़ी बनाना शुरू करते हैं। लोई के अंदर हम दाल को भरते हैं और इसका हम पराठा बनाते हैं। चूल्हे पर रखते हैं तवा। तवा हमारा गर्म हो गया है तो उस पे हम बना हुआ पराठा डालेंगे और उधर उधर हमारी भाभी और मोनी मिलकर दाल के पराठे बनाते हैं। अब हम पराठे को पलट देते हैं और दोनों तरफ से पराठे के ऊपर हम तेल लगाएंगे और पराठों को हम अच्छे से पकाएंगे।
इधर हम देखते हैं हमारी सब्ज़ी पकी कि नहीं। तो अभी हमारी सब्ज़ी में बहुत पानी छोड़ा है, मिक्स सब्ज़ी बना रहे हैं। ठंड का मौसम है, काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ हमें मिल जाती हैं और ये सब सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी हैं। तो अभी सब्ज़ी हमारी पकी नहीं है तो इसको हम और ढक देते हैं और इसको पकने देते हैं। यहाँ पर विनोद जी हमारे गांव आए और उनके साथ मुझे खाना बनाने में बहुत मज़ा आया। यहाँ पर हमने दाल के पराठे, सेवई और मिक्स सब्ज़ी हमने बनाया है। विनोद जी के साथ मिलकर खाना बनाने में बहुत मज़ा आया मुझे। और हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।